So children, here we are going to study about area of sector of a circle. Already we have done a lot of sums. So some very important questions which have come in the board papers and all. So let us see, they are telling three horses are tethered with a 7 meter long rope with 7 meter long ropes at three corners of field. यानी एक घोड़ा यहाँ बंधा हुआ और ये यहाँ तक 7 मीटर के रोप से तो इतना दूर तक ये सारे एरिया में ही कैन ग्रेज, और इधर वाला भी 7 मीटर वाले ये से सेम रेडियस हो जाएगा. यहाँ खूंटा है, इसे बंधा हुआ है देयर एट द फोर कॉर्नर्स. यहाँ पर उसका हॉर्स का माउथ यहाँ तक जा सकता, तो ही कैन ग्रेज टिल हियर. समझ रहे हैं आप, ये चेन में से हॉर्स बंधा हुआ है तो इतना दूर तक ग्रेज कर सकता है. इस फील्ड में इतना 7 मीटर लंबा चेन से बंधा हुआ है तो आराम से इतना दूर में मूव कर सकता है, तो ये सब खा सकता है. लेकिन यहाँ आके फिर उसको अपना मुंह है, मान लीजिए लास्ट पार्ट तो ऐसे करेगा. ये भी 7 मीटर से बंधा हुआ है. अब यहाँ कहा जा रहा है, दे आर आस्किंग कि अगर ये ट्रायंगुलर फील्ड है, मतलब चारों तरफ से बंद है, तो अंदर ही पार्ट हॉर्स ग्रेज करेगा तो कितना घास अनग्रेज्ड रह जाएगा ये निकालना. तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे ट्रायंगल का एरिया पहले निकाल लेंगे और उसमें से ये तीनों सेक्टर का एरिया घटा देंगे. यहाँ बड़ा ताजुब है कि सेक्टर का एंगल नहीं दिया हुआ, किसी भी सेक्टर का एंगल नहीं दिया, लेकिन ये तीनों एंगल मिल के 180 डिग्री होगा. वही हमारा क्लू है, क्योंकि एक ट्रायंगल में अल्फ़ा, इसको मैंने माना है बीटा, ये अल्फ़ा एंगल माना है बीटा. यहाँ गामा दिख रही ना, इसको मैंने गामा माना है. अल्फ़ा डिग्री, बीटा डिग्री एंड गामा डिग्री. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला निकाल देते हैं. तो एरिया ट्रायंगल ए बी सी में कैसे निकलता है, एस. तो क्या फार्मूला होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा. और एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2. तो यहाँ पर 20 और 42, 62, 62 एंड 30 इज़ 34. 62 एंड 34 इज़ हाउ मच, 96. तो 96 बाई 2, सो दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच, 48. तो 48 मीटर आ गया एस. तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आराम से मिल गया. क्या हो जाएगा, 48. फिर 48 माइनस 20 तो क्या बचेगा, 48 में से 20 घटाएंगे तो क्या जाएगा, 28 बचेगा. फिर 48 माइनस 42 तो क्या बचेगा, 6 बचेगा. फिर ब्रैकेट में ही लिख लेता हूँ 34. तो 48 में से 34 घटाऊंगा तो 48 माइनस 34 विल बी हाउ मच, 14, इज़न्ट इट. तो अब मैं इसको ट्राई करता हूँ, इसको ब्रेक करके इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए. तो ये हो जाएगा 16 गुने 3, ये हो जाएगा 7 गुने 4, ये हो जाएगा 3 गुने 2 और ये हो जाएगा 7 गुने 2. तो 16 का स्क्वायर रूट तो 4 आ गया. ये दोनों 7 में से एक बाहर निकल गया, ये दोनों 3 में से एक बाहर निकल गया. 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा और इन दोनों का 2 आ जाएगा. तो लेट अस सी कितना हो जाएगा, 3 to the 4, 3 to the 12, 48 into 7, 48 into 7. Now let me see. So it will be how much? Let us see. It will be 336. It will be 336. So ये एरिया मुझे आ गया, ये एरिया मुझे मिल गया, ये वाला हमारा एरिया आ गया. I am calculating in short. Let us see. The area will be just a second, बच्चों. The area will be okay, 336 मीटर स्क्वायर. ठीक है, 336 मीटर स्क्वायर ये आ गया मेरा एरिया. अब एरिया ऑफ द थ्री सेक्टर्स, एरिया ऑफ थ्री सेक्टर्स, तीनों सेक्टर का एरिया का पहले मैं अलग अलग फार्मूला लिखा था. अल्फ़ा बाई 360 इंटू पाई 7 स्क्वायर प्लस बीटा बाई 360 इंटू पाई 7 स्क्वायर प्लस गामा बाई 360 इंटू पाई 7 स्क्वायर, पाई 7 स्क्वायर. सो ये बड़ा आसान हो गया. अल्फ़ा बाई 3 मैं पाई 7 स्क्वायर, पाई 7 स्क्वायर बाई 360 को कॉमन लेता हूँ तीनों में. ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा. तो अल्फ़ा पाई 7 स्क्वायर का मतलब होता है 22 बटा 7 गुने सात इसके बदले मैंने यहाँ लिख दिया ये वैल्यू इनटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है 180 और नीचे में क्या है 360। अब ये सात इससे कट गया, ये 2 टाइम्स कट गया, ये 11 टाइम्स कट गया तो 11 7 77 यानी मुझे 77 मीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए शेडेड पोर्शन का ये तीनों सेक्टर मिला के 77 है और ये है 336, ये पूरा ट्रायंगल 336 है तो एरिया ऑफ अनग्रेज्ड अनग्रेज्ड पार्ट इज इक्वल टू 336 जो कि पूरे ट्रायंगल का एरिया माइनस 77 मीटर स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा देखा जाए, 16 में से 7 तो 9 7 16 हो गया, 2 बज गया, 12 में से 7 तो 5 हो गया और यहाँ 2 बज गया तो 259 मीटर स्क्वायर हमारा ये एरिया आ गया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। ये देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है कि इसमें एंगल नहीं दिया, ये क्वाड्रिलेटरल में बंधा रहता है अगर तो अल्फ़ा बीटा गामा और एक्स चारों मिला के बस एक चेंज होता है 360 हो जाता है, यानी एक फुल सर्कल का एरिया निकालते हैं। अगर ये क्वेश्चन को आप समझिए, अगर ये क्वेश्चन में ये ट्राइंगल नहीं देके अगर आपको एक कहता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों कॉर्नर पर खोड़े बने तो क्वाड्रिलेटरल का चारों कॉर्नर का मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखिए क्वाड्रिलेटरल का ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया तो ये चारों एंगल मिला के 360 यानी एक एक्स्ट्रा एंगल रहता है 360 by 360 यानी ये चारों सेक्टर मिल के वन फुल सर्कल हो जाता है और फिर आप पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल के सर्कल का एरिया घटा सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABC इज राइट एंगल एट A विथ AC इज इक्वल टू 8 एंड AB इज इक्वल टू 6। There is an in circle ABC with radius R, find the radius that is value of R। तो यहाँ पर देखिए AC will be equal to under root 8 square plus 6 square that is 64 plus 36 so this is 100 so AC will be equal to 10 so this is 10 centimeter AC will be 10. Now OPT so OPBT is a square, now OPBT is a square so how do I say this is a square, हम ये इसको square कैसे कर सकते हैं। देखिए ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90, तीन एंगल 90 थे, ये भी 90 तो चारों एंगल बराबर फिर किसी भी तो ये पैरेललोग्राम तो पहले हो गया लेकिन इसका एडजेसेंट साइड इक्वल है, इसका मतलब ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एडजेसेंट साइड इक्वल है तो वो स्क्वायर ही होगा तो ये सब आर हो गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर बहुत आसानी से बन जाएगा, अगर PBR है और पूरा AP 8 है तो अब हम इसको क्या करेंगे कि हम यहाँ से पहले हम इन तीनों को मिला देंगे। ऑलराइट, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया OBC प्लस एरिया OAC, इन तीनों को मिला देंगे तो व्हाट विल हैपन, एरिया ABC विल बी हाफ 8 into 6 हाफ OAB, एरिया ऑफ OAB विल बी इक्वल टू हाफ बेस 8 इंटू परपेंडिकुलर प्लस हाफ OBC का होगा हाफ 6 into R प्लस OAC का होगा, ये AC का 10 पूरा लेंथ आ गया तो हाफ 10 into R। अब देखिए ये हाफ से कट गया तो 4, ये 3 और ये 5 तो 4R plus 3R 7R प्लस ये 12R और यहाँ से मैंने 4 बन 24 तो 12R इज इक्वल टू 24 तो R इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये रेडियस हमारा आ गया। थैंक यू वेरी मच। और नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 14 एंड सेंट्रल एंगल 120। तो रेडियस 14 एंड सेंट्रल एंगल 120 हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, इसका मतलब ये एंगल 120 का आधा 60 होगा, ये 60 होगा तो ये ऑब्वियस 30 हो जाएगा। जब 30 हो जाएगा तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब ये 30 हो जाएगा तो ये लेंथ साइन 30 से निकाल सकते हैं। साइन 30 इज इक्वल टू ओ सी बाई 14। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, ओ सी बाई 14 यानी ओ सी इज इक्वल टू 7 आ गया। आपको ये 7 आ गया। और कॉस 30 का वैल्यू होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूस यानी ए सी बाई 14। कॉस 30 होता है √3/2 इज इक्वल टू ए सी बाई 14। तो ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा 7√3। तो ये 7√3, ये 7√3 और ये 7 तो आपको बन गया। अब आपको एरिया ऑफ द सेक्टर अगर हमको चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे कैसे निकलता है भाई? एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई 360 यानी 120/360। 120 ये पूरा तो एंगल 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर 27 इंटू 14 इंटू 14। ये 3 टाइम्स में कट गया, 7 to the 14 तो आपको आ गया 44 इंटू 14/3। ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इतना। 44 इंटू 14 इज 616/3 तो एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। तो दैट इज इक्वल टू 205.33। ये आपको आ गया। अब आपको एरिया ऑफ सेक्टर मिल गया, उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया तो आप आराम से निकाल सकते हैं। इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी का हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस हो जाएगा 7√3 प्लस 7√3 14√3 इंटू हाइट इसका 7 हो जाएगा। ये 27 तक कट गया तो 7 इंटू 7 49√3 मतलब 49 इंटू 1.732 आ गया। 49 इंटू 1.732 विल बी इक्वल टू, कैलकुलेट किया जाए, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर है 205 और 49 इंटू 1.732 इज इक्वल टू 84.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आपका ट्रायंगल का एरिया निकल गया और आपका सेक्टर का एरिया निकल गया। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पूछ रहा, मतलब ये पार्ट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट बराबर क्या होता है भाई? तो सेक्टर का एरिया जो कि 205.533 है माइनस 84.87 है, घटा दीजिए। जब माइनस कीजिएगा तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द एरिया। सो दैट विल बी हाउ मच? 120.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया विल बी 120.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो थैंक्स अ लॉट।